हेलो एवरीवन, वेलकम टू देव रसोई। आज हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनने वाली है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये काफ़ी हेल्दी भी होती है, तो आप इसे मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है छोटी वाली सोयाबीन। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी और इसको मैं थोड़ी देर तक फूल जाने तक छोड़ दूँगी। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है कटा हुआ प्याज और टमाटर। अब देखिए, मैं प्याज को एक ग्राइंडर में डाल दूँगी और इसको पीस के एक पेस्ट बना लूँगी। मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक और लहसुन। अब ये देखिए, यहाँ पे हमारी सोयाबीन अच्छे तरीके से फूल चुकी है। अब मैं इसका सारा पानी निचोड़ के इसको अलग एक प्लेट में रख लूँगी। यहाँ पे मैं इसको प्रेस करके इसका सारा पानी निकालती जा रही हूँ और यहाँ साइड एक प्लेट में इसे निकालती जा रही हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारी सोयाबीन से पानी निचोड़ के इसे अलग निकाल लिया है। अब मैंने यहाँ गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है, जिसमें मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हमारा लिया हुआ तेल गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें डाल लूँ जीरा। अब मैं इसमें सोयाबीन डाल के इसे भून लूँगी। ये देखिए, यहाँ पे मैं लगातार सोयाबीन को लो फ्लेम पे चलाती जा रही हूँ और इसमें ब्राउनिश कलर आ जाने तक मैं इसको यहाँ पे भूनती रहूँगी। अब ये देखिए, यहाँ पे हमारी सोयाबीन में ब्राउनिश कलर आ चुका है, ये अच्छे से पक के तैयार हैं। अब मैंने इन्हें यहाँ साइड एक प्लेट में छान लिया है। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, जिसमें मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब तेल गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, दो तेज पत्ता और कुछ साबुत मसाले। अब मैंने प्याज को पीस के जो पेस्ट तैयार करा था, वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, मैंने हमारा प्याज का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे प्याज के लाल हो जाने तक इसे लगातार चलाती रहूँगी। यहाँ इस तरीके से मैं प्याज को अच्छे से भूनती जा रही हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे हमारी प्याज अच्छे से भून के तैयार है, इसमें परफेक्ट लाल कलर आ चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारा बनाया हुआ टमाटर का पेस्ट। अब मैं इसे प्याज में एक बार मिक्स करके, चलिए अब हम इसमें मसाले ऐड कर लें। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब चलिए इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। अब पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आलू के कुछ पीसेस। अब आलू को एक बार मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हमारी सोयाबीन। अब चलिए हम इसको अच्छे तरीके से हमारी ग्रेवी में मिक्स कर लें। अब ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। अब चलिए हम कढ़ाई में ढक्कन लगा के इसे थोड़ी देर तक पकने के लिए छोड़ दें। अब ये देखिए, यहाँ पे इसको पकते थोड़ी देर हो चुकी है, तो चलिए हम कढ़ाई में से इसका ढक्कन हटा दें। और ये देखिए, हमारी कितनी बढ़िया ग्रेवी बन के तैयार हो रही है। आप देख सकते हैं इसमें अभी से कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर आने लगा है। अब चलिए हम एक बार इसको चला दें। अब चलिए इसे मिक्स करने के बाद एक बार फिर से ढक्कन लगा के इसे थोड़ी देर तक और पकने दें। अब ये देखिए, फाइनली हमारी यहाँ पे कितनी बढ़िया सोयाबीन की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। अब यहाँ मैंने कर लिया है गैस को ऑफ और हमने कढ़ाई को नीचे उतार लिया है। और ये देखिए, हमारी कितनी बढ़िया सब्जी बनके तैयार है। और अब मैं इसे कर रही हूँ धनिया से गार्निश। अब ये देखिए, यहाँ पे हमारी फाइनली सोयाबीन की इतनी बढ़िया सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है।
इसे बनाना बहुत ही इजी है, तो आप इसे बना के ज़रूर ट्राई करें, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब चलिए हम इसे यहाँ पे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं इसे सर्व करती जा रही हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे हमारी कितनी बढ़िया सोयाबीन की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखने में ही कितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है, तो सोचिए खाने में कितनी ज़्यादा बढ़िया होगी। तो आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई करें और ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी, तो इसे एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।